हेलो गाइस, वेलकम टू अहल एनिमेट्स। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप कैरेक्टर रिगिंग पर एक ट्यूटोरियल बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वही ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सी रिगिंग सिखाऊंगा, तो हम इस कैरेक्टर को रिग करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस कैरेक्टर को हम रिग करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन और ओरिजिन एट ट्रू सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। अब इसका ओरिजिन इसके मैस के सेंटर में आ चुका है और ये जो मैं आपको रिग सिखा रहा हूँ ये तकरीबन आप किसी भी कैरेक्टर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम रिग नहीं लेकिन सेम मेथड, ठीक है। तो या अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, आर्मेचर में जाऊंगा और हमारे पास एक बोन ऐड हो चुकी है। अब ये बोन कैरेक्टर के पीछे छुप चुकी है, तो इसको मैं चाहता हूं कि ये फ्रंट पर आए, जिस एंगल से भी मैं देखूं ये फ्रंट पर ही रहे बोन। तो यहाँ पर आपको ये डेटा वाले ऑप्शन पे आपने जाना है इस बोन को सिलेक्ट करके, और आपने इन फ्रंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप जिस एंगल से भी देखेंगे ये बोन फ्रंट पे ही रहेगी, ठीक है। तो चलें अब मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ और मैं इसको यहाँ ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेते हैं। चल अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा। अच्छा, काफी सारे लोग जो कि बिगिनर्स होते हैं और उन्हें रिगिंग का इतना नहीं पता होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बोन को कब एक्सट्रूड करना है। अच्छा, जहां पर आपके जॉइंट्स हो या जहां पर आपकी डिफरेंट मूवमेंट हो, जैसे स्टमक की मूवमेंट डिफरेंट होती है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके स्टमक की मूवमेंट डिफरेंट होती है, मतलब आप अपने स्टमक को सेपरेटली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और आपके चेस्ट की मूवमेंट अलग होती है, आपके नेक की मूवमेंट अलग होती है, आपके जो आर्म है उसकी मूवमेंट अलग होती है, लेकिन आपके आर्म में भी जो जॉइंट होती है, दो जॉइंट, एक जॉइंट होता है सेपरेट करता है इन दो पार्ट्स को, तो वो दो पार्ट्स भी सेपरेटली मूव होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टमक तक लेके जाऊंगा इसको, ठीक है, ना बहुत ऊपर। यहाँ स्टमक तक लेके गया, अब मैं ई प्रेस करूंगा और इसको मैं यहाँ तक ले आऊंगा, ठीक है। ये इसका चेस्ट यहाँ तक, और मैं इनको आर्म के साथ भी अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आर्म के साथ भी अलाइन करना है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके फिर इसे ई प्रेस करना है और जी प्रेस करना है। अब ये हमारी नेक हो गई, एंड लास्टली फिर से ई प्रेस करके इसका पूरा हेड कवर कर देना है। तो ये बहुत सिंपल था, ठीक है। ये इस एरिया की रिग हो गई, ये स्टमक की बोन है, ये चेस्ट की, ये नेक की और ये हेड की। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ लाइक दिस। अब हम साइड व्यू पे आएंगे और इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे। तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, स्टमक को थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी इसका स्टमक बहुत ज़्यादा बाहर है, तो दैट्स वाई। अब इसका जो आर्म है इसको मैंने आर्म के साथ, मतलब इसका चेस्ट और आर्म, क्योंकि यहीं से हम आर्म को भी एक्सट्रूड करेंगे, इसे मैंने यहाँ अलाइन कर दिया, नेक को सेंटर में, एंड देन लास्टली हेड को भी यहाँ पर। तो चलें अलाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पर ले आऊँगा, रोटेट कर दूँगा 90 डिग्रीज और यहाँ मूव कर दूँगा समथिंग लाइक दिस। उसके बाद इसको आपने जॉइंट तक मूव करना है, ठीक है। आई गेस अंदाज़ा लगा दें आप, ठीक है, मेरा ख्याल में यहाँ तक है जॉइंट। उसके बाद मैं फिर से ई प्रेस करूँगा, इसे यहाँ पर ले आऊँगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आई गेस ये है, यस। उसके बाद फिर से लास्ट टाइम हैंड के लिए ई प्रेस करके यहाँ तक एक्सट्रूड कर लीजिएगा। अब इसे अलाइन करता हूँ मैं, खैर अलाइन तो हुआ है, लेकिन चलें इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ, इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस भी पीछे, एंड या आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच अलाइन। उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, डुप्लीकेट, रोटेट करूँगा 180 डिग्रीज, एंड मैंने एक्स एक्सिस पे मूव कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, ठीक है, सेम विद दिस, एंड या। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, 90 डिग्रीज रोटेट करूँगा, 180 डिग्रीज रोटेट करूँगा, और मैं इसे यहाँ पर ला के स्केल डाउन कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं घुटने तक ले आऊँगा समथिंग लाइक दिस, एंड देन आई विल प्रेस ई टू एक्सट्रूड इट अगेन। ऑलराइट, नाउ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, नीचे की तरफ मूव करूँगा, अलाइन करूँगा, आई गेस दिस इज अलाइन। अच्छा, अब हमने इस बोन को और इस बोन को आपस में अलाइन करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ ले आऊँगा जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा, एंड इट्स ओके, इट्स नाइस। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और लास्ट टाइम ई प्रेस करके वाई एक्सिस पे ले आऊँगा, दिस इज़ द बोन फॉर आवर शू। सो अब मैं इनको सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस, थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे मूव कर देंगे इसको भी,
अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको एक्स एक्सिस पे ले आऊँगा, समथिंग लाइक दिस, एंड इन दोनों को थोड़ा ऊपर, इसको भी थोड़ा ऊपर, एंड या उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट इस बोन को आपने लास्ट पे सिलेक्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल पी प्रेस करना है और कीप ऑफसेट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब आप रोटेट करें, मूव करें, या आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बोन्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, और एडिट मोड में खैर हमें नहीं पता चलता हम अगर इन्हें रोटेट वगैरह करते हैं, ठीक है। हमें पोज मोड में आना होगा, तो आपने सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आएगा, और कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो पोज मोड में आ जाएगा। अब आप इसको मूव करेंगे इस बोन को, तो ये देखिए पूरी बोन्स मूव हो रही हैं, सो दैट्स गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इस बोन को सबसे पहले ऐड करके फिर एक्सट्रूड डुप्लीकेट इस बोन से किया था, ठीक है। अब इस बोन को हमने एक्सट्रूड किया था यहाँ तक, फिर डुप्लीकेट किया था, तो ये हमारी फर्स्ट बोन थी जिससे ये सारी बोन्स क्रिएट हुई हैं एक्सट्रूड और डुप्लीकेशन के थ्रू। तो इसलिए जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो दिस इज द मेन बोन, इसे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारी पूरी बॉडी या पूरा आर्मेचर मूव हो रहा है। सो या ठीक है, अब मैं इसको रोटेट वगैरह करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं ऊपर भी पूरा मूव होता है इसको, ये देखें आर्म भी इस तरह रोटेट हो रहा है, सो दैट्स नाइस, ठीक है। अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ लेकिन मेरा कैरेक्टर नहीं रोटेट हो रहा या मूव हो रहा, ठीक है। दैट्स बिकॉज अभी हमने इसको आपस में पेरेंट नहीं किया, आर्मेचर को और बॉडी को। तो सबसे पहले आपने बॉडी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने आर्मेचर को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका आर्मेचर हाईलाइटेड हो लाइट कलर में, और आपका जो बॉडी है वो ऑरेंज या डार्क कलर में हाईलाइट हो, ठीक है। एंड देन प्रेस कंट्रोल पी, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन हमने विद ऑटोमेटिक वेट्स करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ये हमने किया है और इससे क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अब जब मैं अपने बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा वेट पेंट में, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं बोन को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टो वाली बोन को सिलेक्ट किया है, तो आप खैर सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर आएँ और आपके पास हर बोन आ जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप किसी चीज़ को भी, किसी बोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फुट का मैंने बोन सेलेक्ट किया है, तो अब ये जो फुट है ये रेड येलो ग्रीन और लाइट ब्लू कलर में हाईलाइट हुई है। दैट मींस कि इस बोन का इफेक्ट इस एरिया में है, जहाँ रेड एरिया होगा वहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, देन येलो थोड़ा कम, फिर ग्रीन थोड़ा और कम, और लाइट ब्लू फिर थोड़ा ज्यादा वाला कम, और जब डार्क ब्लू होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका इफेक्ट। तो मतलब इस बोन का इफेक्ट सिर्फ इस एरिया में हो रहा है, ठीक है। अब मैं कोई और बोन सेलेक्ट करता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाली बोन, तो इस बोन का इफेक्ट सिर्फ इस एरिया में हो रहा है, एज यू कैन सी। कभी कभार अभी मैंने किया है विथ ऑटोमेटिक वेट, मतलब अब ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली हर बोन को हर जगह पे इफेक्ट करा रखा है, ठीक है, लेकिन कहीं किसी किसी जगह पे ये सही नहीं काम करता। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं अपने बोन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब प्रेस करके पोज मोड में आऊँ, अब आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सिर्फ इस स्पेसिफिक मॉडल के लिए ज्यादातर हमारे जो ऑटोमेटिक वेट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल हेड को रोटेट करता हूँ तो दिस इज नाइस, इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ इश्यू आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे वेट्स जो हैं वो सही नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम कैसे सही करें, लेकिन ओवरऑल बाकी जो हमारा मॉडल है उसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। एज यू कैन सी ये देखें, और इस फुट को अगर मैं करूँ तो ठीक है, ये भी तकरीबन सही है। अब इसको अगर मैं करूं, ठीक है, इसकी भी ऑटोमेटिक वेट्स नहीं है, इसको ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब सारे ऑटोमेटिक वेट्स सही हैं लेकिन यहाँ के सही नहीं है, एज यू कैन सी। इसको जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने बोन्स को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करूँगा, और फिर मैं ऑब्जेक्ट मोड से वेट पेंट मोड में आऊँगा, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी ये वाली बोन, नाउ मुझे इशू नज़र आ गया, ठीक है। अब ये बोन इस जगह को तो इफेक्ट कर रही है लेकिन साथ ही साथ ये इस जगह को भी इफेक्ट कर रही है। दैट्स वाई जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है, विच आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए आपके पास डिफरेंट ब्रशेज होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता कि ये इफेक्ट यहाँ पर भी करे, मैं यहाँ पर सिंपली कलर करूँगा तो ये रेड हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये जगह इसे इफेक्ट करे, और अगर मैं इफेक्ट नहीं लाना चाहता एक स्पेसिफिक जगह पर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओप्स, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ इस जगह पे ना इफेक्ट है, तो बजाय क्लिक करके ड्रैग करने माउस को, आपने कंट्रोल दबा के क्लिक करना है और फिर अपना माउस ड्रैग करना है। और एज यू कैन सी हमारा जो कलर था रेड से वो फिर हट रहा है, लाइट ब्लू पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारा इफेक्ट हट रहा है, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, नीचे से भी एंड यहाँ ऊपर भी मैं इसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता। सिर्फ चाहता हूँ कि इस जगह पे इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर रहने दूंगा इस कलर को। बाकी जो एरिया है उसको मैं बिल्कुल ही डार्क ब्लू कलर में ले आऊँगा। तो यहाँ से इसको कर दिया मैंने डार्क ब्लू, कंट्रोल प्रेस मैंने किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको शो हो रहा होगा। तो इसको मैंने ऐसे वेट पेंट में इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जिसको मैं नहीं कर सकता, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो अब यहाँ पर हमारे पास इश्यू स्टिल आएंगे, लेकिन लेट्स सपोज, ठीक है, अब मैं आपको तरीका सिखा दिया, अब आपको तरीका समझ आ गया कि हमने कैसे करना है। तो अब लेट्स सपोज हमने ये सारा बिल्कुल परफेक्टली फिल कर दिया है डार्क ब्लू कलर में, ठीक है, अब मैं इसे रोटेट करूँ तो हमारा प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो इनर साइड है इस बैंड या जो भी है, ठीक है, इसका जो आउटर एरिया है वो हो गया है डार्क ब्लू, विच मीन्स मैं इसे रोटेट करूँगा तो इसका इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। लेकिन इसका जो इनर एरिया है उस पर अभी भी कलर हुआ है रेड कलर का, इट मीन्स कि जो इसका इनर एरिया है वो इफेक्ट करेगा जब मैं इस बोन को मूव करूँगा। सो अब आप उसको कंट्रोल दबा के कलर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब लेट सपोज ये बिल्कुल परफेक्टली सही हो गया, एंड नाउ यू कैन सी अब हमारा तकरीबन ये एरिया बिल्कुल सही हो गया, बस हमने इनर पार्ट को कलर करना है। तो अब मैं किसी और बोन को सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज अवर हैंड को, इसका ऑटोमेटिक फिट बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है, मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टैब दबा के आता हूँ मैं पोज मोड में, ठीक है, अब इसको मैं रोटेट वगैरह करता हूँ। अब देखिए इस बोन की मैंने ऑटोमेटिक वेट्स नहीं सही किए, अब आप देख सकते हैं जब मैं इसे रोटेट करता हूँ हमारी नेक भी रोटेट होती है, हमारा जो ये एरिया है ये भी रोटेट होता है, हमारा बैकपैक भी रोटेट होता है, लेकिन इसको हमने पहले से बेहतर किया है, हमारा बैकपैक भी नहीं रोटेट हो रहा, ये वाला एरिया भी नहीं रोटेट हो रहा, नेक भी नहीं रोटेट हो रही, सिर्फ ये वाला एरिया रोटेट हो रहा है, जिसको आप सही कर सकते हैं बाय जस्ट, मतलब जैसे मैंने आपको अभी वेट पेंट में तरीका सिखाया, बाय जस्ट डूइंग दैट। सो बाकी जो हमारे पास हमारी रिग है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, ठीक है, नाउ दिस इज़ अ सिंपल रिग, ठीक है, आप जा सकते हैं काफ़ी एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन दिस ट्यूटोरियल वॉज स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो या गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा और मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।